हे फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे शमी प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले ये आपके पास है या नहीं, है तो किस कंडीशन में है, क्या वो इस तरह से फ़िलहाल हरा भरा है या नहीं। तो आप देखिए, मैंने इसे बकेट में लगाया हुआ है, बाल्टी में लगाया हुआ है, और इसकी हाइट देखिए और इसकी चौड़ाई देखिए, चारों तरफ से ये काफ़ी चौड़ा है। इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसकी ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं, और इस साल मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी, कटिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी इसको देखूं कि ये कितना बढ़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, रिज़ल्ट देखिए, फूल्स आने लगे हैं, कितने सारे फ्लावर हैं। एक तो पूरी तरह से खिल गया है, बाकी की यहाँ पे खिलने बाकी हैं, यानी कि अभी और फूल हैं पर अभी वो खिले नहीं हैं, और भी खिले थे पर वो खिलकर सूख कर गिर भी गए हैं। शमी के प्लांट फूल जो हैं ज़्यादा दिन नहीं टिकते, एक फूल एक दिन या दो दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। एक दिन जो प्रॉपर उसका कलर रहता है, येलो और वाइट पिंक बहुत अच्छे से खिला हुआ होता है, अगले दिन उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, तो ज़्यादा दिन इसके फूल टिकते नहीं हैं। बात करेंगे इसकी हाइट की, ग्रोथ की, तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितना बड़ा है ये, कितनी तरीके अच्छे तरीके से फैला हुआ है, ढेर सारी डालियाँ हैं, पत्तियाँ हैं। तो आपका शमी प्लांट अगर आपके पास है तो क्या इसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इसी तरह से उसमें ढेर सारी जो है डंडियां हैं, ब्रांचेस हैं? अगर हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, और नहीं है तो भी बताइए कि क्यों नहीं है। और इस तरह से वो घना है या इसमें बस कुछ ही ब्रांचेस हैं, तो आप मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये शमी प्लांट जो है ये मेरे पास काफ़ी सालों से है, और मैं हर साल जो है इसकी एक बार प्रूनिंग कर देती हूँ। जब सर्दियाँ आती हैं तो जब इसकी सारी पत्तियाँ इसकी झड़ जाती हैं तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, इसकी कटिंग कर देती हूँ, जिसके बाद जो है ये बहुत सारी ब्रांचेस जो है लेकर आता है, और तभी ये उसी की वजह से इतना घना हो गया है। इसकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है, पत्तियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं इसकी, छोटी छोटी सी, घनी घनी, तो जब इसको देखते हैं सामने से तो बहुत ही सुंदर लगता है। बस प्रॉब्लम यह है कि इसमें कांटे होते हैं, तो जब भी आप इसमें काम करने जाओ तो आपको अपना हाथ तो डैमेज कराना ही कराना है। मैं नीचे से दिखा रही हूँ, नीचे से कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा पेड़ देख रहे हूँ हम। और क्योंकि मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी तो इस बार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, और ये क्योंकि काफ़ी पुराना है, आप इसके तना देख के इसे पहचान सकते हो। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मैंने इसको बाल्टी में लगा रखा है, तो मैं इसको गुड़ाई वगैरह करती रहती हूँ। रही बात इसको लगाने की, तो कहाँ लगाएं, मैंने तो इसको टेरेस पर लगा रखा है, वेस्ट साइड में, वेस्ट एरिया दिशा में मैंने इसको लगा रखा है, दब जिसको हम पश्चिमी दिशा बोलते हैं, तो छत पर मैंने पश्चिम दिशा की ओर लगा रखा है, और यही दिशा इसकी सही होती है। इसके अलावा आप एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, इसके दाईं ओर आप अपनी एंट्रेंस में गेट के बाहर दाईं ओर लगा सकते हैं, और ज़्यादा रहेगा आपको अच्छा यही रहेगा कि आप पश्चिम दिशा में लगाएं अगर आपके पास जगह है, और नहीं है तो आप छत पर लगा सकते हैं जैसे मैंने लगा रखा है, और वो भी वेस्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, फूल बहुत अच्छे आते हैं इसके, सबसे बड़े प्यारे लगते हैं फूल इस पेड़ पे, जो फूल होते हैं बड़े ही सुंदर लगते हैं, अलग से ही नज़र आते हैं, एकदम नज़र जाती एकदम टिकी हुई सी। इसकी मान्यता है कि अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो आप शमी की भी पूजा कर सकते हैं। शमी भी शनि देव का ही प्लांट है, हम घर में पीपल का पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम शमी का प्लांट लगा सकते हैं। शमी का प्लांट की पूजा करने से वही फल मिलता है जो हम शनिदेव की पूजा करने से मिलती है, या पीपल के पेड़ की पूजा करने से फल मिलता है, सेम आपको शमी की पूजा करने से वही फल मिलेगा। शनिवार को इसकी पूजा की जाती है, तेल का दिया जलाया जाता है, मिट्टी का तेल के दिया जलाया जाता है, और मिट्टी का तेल का मतलब जो मिट्टी का दिया होता है उसमें सरसों का तेल डाल के इसमें शनिवार को पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, शनिवार को आप पूजा करते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइए, और आपके घर में है ये प्लांट, और किस कैसी ग्रोथ है इस टाइम पे, उसकी प्रेजेंट में उसकी क्या ग्रोथ है आप मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि इसकी पूजा कीजिए, शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं, और घर में आप इसे लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी जड़ भी यूज़ की जाती है पूजा में, इसकी टहनियाँ, पत्तियाँ, इसके फूलों का भी यूज़ किया जाता है पूजा में,
इसकी जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर इसकी पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, इसके फूल चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही शुभ फल माना जाता है। इसकी टहनियों का, गीली टहनियों का शमी के पेड़ की हवन में यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप गीली लकड़ियों का भवन में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा शमी के प्लांट पे यही आप लोगों के साथ अपडेट थी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।